हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, फाइनली अजय देवगन की अपकमिंग मूवी मैदान का फाइनल ट्रेलर हमारे सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बेसिकली अगर हम ट्रेलर को एक्सप्लेन करें तो जो पहले एक ट्रेलर आया था सेम हमें वैसा ही लगा है। कुछ फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं जो गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलते रहते हैं, लेकिन अजय देवगन उन सभी को इकट्ठा कर एक इंडिया की टीम बनाते हैं। यहाँ पर अजय देवगन हमें कोच के रूप में दिखाई देने वाले हैं और वो रियल में सैयद अब्दुल रहीम जो इंडिया के कोच थे उनकी भूमिका हमें निभाते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब ट्रेलर में अगर हम जाएं तो ट्रेलर में हमें यही दिखाई देता है, पहले सभी लोग जो अजय देवगन है उनको निकालते हैं कि आप कोच नहीं बन पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा उनका सम्मान करते हैं और अपनी पूरी जी जान लगाकर वो फुटबॉल को सीखते हैं और फुटबॉल को खेलते हैं। इसके बाद वो ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल भी लास्ट तक लेके आने वाले रहेंगे। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा है मैदान का फाइनल ट्रेलर, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और क्या मैदान मूवी 10 अप्रैल को जब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सामने रिलीज होगी तो क्या वो टिक पाएगी, क्या सरवाइव करेगी या नहीं करेगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।